मैं खिलाड़ी हाँ नैशनल लैवल का। कहते कैप्टन साहब की सरकार से, कहते हाँ हूँ बन जू तेरा काम। कहते इन्हें कैप्टन बदल गया जी, कैप्टन ला था इन्होंने। कह चन्नी साहब आ गए, कह मैं तो मेरा बापू चन्नी को गए। चन्नी कहना मेरे भाणजे को मिल लो। वो कहना मैं भाणजे को चले गए। वो कहना हाँ, कागज देख के कहना हाँ बन जू, दो कर दौ। ठीक है जी, कहना साड़ी जट बुद्धि जी। अभी कहना तीजे दिन 2 लाख लेके चले गए। उन्हें कहा नल तो कटिया गाला। कह नल कह तुम पता नहीं 2 का मतलब 2 करोड़ होंगे। मैं कदे भी किसी न अपने भाणजे को नौकरी लिए पैसे लेने नहीं भेजा ना मंगे। ये जो मेरे से इल्जाम लगे बिल्कुल बेबुनियाद है, सच है। तुम सारे जाने जाने जाण हो ये सच्चे पातशाह। फिर भी जे मैं इस तरह पंगे होण, मैं आप जी का इस घर के इस जीवन के अगली दरगाह के भी देनदार रहागा। चन्नी साहब न मैं कह दिना कि 2-4 दिन होर ला लो, भाणजियां के भतीजे पुछ लो, हो सकता तो पूछे बिना भी काम करते हो, नहीं मैं प्लेयर सामने ले आना। इस करके कृपा करके ढके रहो तो चंगा है। पंजाब च तपदी धुप ने पारा पहला ही सिखरा ते कीता होया है। उत्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान के साबका सीएम चन्नी नूं लैके दित्ते बयान ने सियासत का पारा भी आसमानी चढ़ा दिता है। जिस उन्हां दा कहना सी कि साबका सीएम चन्नी वालों क्रिकेट के खिडारी नूं नौकरी देने दे लई 2 करोड़ की रिश्वत मंगी गई सी। मुख्यमंत्री का वह बयान एक बार तुसीं भी खुद सुन लवो। एक मैनूं मिलिया हुणी, मैं ना तुसीं देखी होणी फोटो, धर्मशाला गया सी, मैच सी पंजाब वालियां दा। उत्थे एक पंजाब का प्लेयर मिलिया मैनूं, मैं नाम नहीं दसना उहदा। वह मैनूं परां लै गया थोड़ा जिहा, पंजाब की टीम च खेडदा प्लेयर। वह कहना जी मैं पेपर दिता सीगा अफसरी का, नंबर तो वधिया आ गए सी कहना, पर मेरा जिन्ना बनता सी उन्ने नंबर नहीं आए। फिर मैं स्पोर्ट्स वाले कोटे च पाता आपका नाम भी मैं खिडारी हाँ नैशनल लैवल का। कहते कैप्टन साहब की सरकार से, कहते हाँ हूँ बन जू तेरा काम। कहते इन्हें कैप्टन बदल गया जी, कैप्टन ला था इन्होंने। कह चन्नी साहब आ गए, कह मैं तो मेरा बापू चन्नी को गए। चन्नी कहना मेरे भाणजे को मिल लो। हूँ भाणजे तो कहना मैं भाणजे को चले गए। वो कहना हाँ, कागज देख के कहना हाँ बन जू, दो कर दौ। कहते ठीक है जी, कहना साड़ी जट बुद्धि जी। अभी कहना तीजे दिन 2 लाख लेके चले गए। उन्हें कहा नल तो कटिया गाला। कह नल कह तुम पता नहीं 2 का मतलब 2 करोड़ होंगे, एडे एडे गरीब पे ने इतने। वो कहते असं गरीब हाँ। वो कहते जी बस कागज उत्थे पे ने जी। कहते बस 2 का मतलब नहीं समझ सके। इन्हां लई 2 करोड़ है, इन्हां लई लख नहीं है। आप कदे इन्नियां ठीकरियां भी नहीं गिणियां। यह हालत है इन्हां दी। फिर कहने अभी गरीब हाँ, अज तक गरीब हाँ। जो विजिलेंस जाती है गरीबों को तंग करते, विजिलेंस गरीबों के घर जाती होंगी जी, तो घर चो मिलती नोट गिनने वाली मशीन, वह भी कर दी उत्थे जवाक खेडते वे भी बच्चे नोट गिण गिण खेडते हैं। लोगों का लुटिया हुआ पैसा, कल्ला कल्ले पैसे का हिसाब लाऊंगा मैं, सीधा खजाने च सीधा थोड़े को। कोई असी बख्शना नहीं है भी हाँ एडा वड्डा बंदा है, यदि बीजेपी च है, यदि सीजेपी च है, यदि डीजेपी च ना, जिथे मर्जी है, जे उन्हें पंजाब नूं लुट्टिया आ जा भाई, इक्को जगह तेरी जेल बस। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चरणजीत चन्नी के शब्द निशाना लाया था। उधर साबका सीएम चन्नी की एक वीडियो भी सामने आई, जिस चो गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब च जाके खुद अरदास करते नजर आए। जिस चो उन्हां दा कहना सी कि जेकर किसी खिडारी कोलों पैसे मंगे होण तां इसदा मैं जवाब दे हाँ। होर की कुछ कहा एक बार वीडियो तुसीं खुद ही सुन लवो। वाहिगुरू जी, हे निमाणियां दे माण, निदाणियां दे ताण, सच्चे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इस स्थान के मालिक बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, चमकौर साहब के सिंह शहीद दो, मैं आप जी के दर अगे अरदास करन आया कि मेरे ते मौके दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 करोड़ रुपया मंगण दे इल्जाम लगाए। हे गुरु साहब, मैनू जो कुछ दिता तुसी दिता। 2007 दे विच अरदास कीती सी, 3 बार आपने
MLA बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ओपोजिशन लीडर बनाया, सब कुछ आप दे दर ते मिलिया। इन इल्जामों बारे बिच भी मैं आप जी दे दर ते ही आया महाराज। आप जी नूं अरदास करदा और सच्चाई बयान करदा कि मैं कदे भी किसे नूं अपने भाणजे कोल नौकरी लई पैसे लेण लई नहीं भेजिया, ना मंगे, ना ही मैं कदे अपने भाणजे भतीजे राही किसे तो नौकरी देण दे या बदली करन दे कदे पैसे लए, ना उन्हां दे राही मंगे। ये जो मेरे ते इल्जाम लगे बिल्कुल बेबुनियाद है, सच है, तुसी सारे जाने जाणो। ये सच्चे पातशाह फिर भी जे मैं इस तरह पंगे होण, मैं आप जी दा इस दर दे विच, इस जीवन दे विच ते अगली दरगाह दे विच भी देणदार रहांगा। मैं फिर आप जी अगे बेनती करदा कि मेरे ते झूठे इल्जाम लगाए है, इसलिए मैं आप जी दे दर तो होर किते जा नहीं सकदा। आप जी हो मैनू संभालण वाले या पब्लिक है, इसलिए मैं अपनी सच्चाई बयान थोड़े करने वास्ते आया। मैं फिर आप जी अगे रखदा कि जे मैं पैसे मंगे होण या किसी नूं अपने भतीजे कोल या भाणजे कोल भेजिया होवे पैसे लेने वास्ते, इस बदली वास्ते किसी वास्ते या नौकरी लगन वास्ते, तो मैं आप दा देणदार हां महाराज। मैनू कृपा करो, अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा फला। इस विचाले मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों फिर तो एक बार साबका सीएम चन्नी ते पलटवार किया गया, जिस च सीएम मान तंज कसदे नजर आए ते चरणजीत चन्नी नूं सलाह तक दे दित्ती, जिस च उन्हां कहा कि दो चार दिन होर लगा के वह अपने भाणजे भतीजे तों पुछ लैण, नहीं तां उह खिडारी नूं सामने लैके आणगे। चन्नी साहब एक नहीं, मैं प्लेयर दा नाम नहीं दसणा, पर चन्नी साहब नूं मैं कह दिंदा कि दो चार दिन होर ला लो, भाणजे भतीजे नूं पुछ लो, हो सकदा तुहानूं पुछे बिना कम करदे होण, नहीं मैं प्लेयर सामने लै आउणा, फिर उन्होंने कुछ नहीं रहनी, इस करके कृपा करके ढके रहो तो चंगा है। हाँ, जांच इन जरूर करा कि ए दो करने का मतलब की है। मैं एक मिनट, यह गल कह के मैंने कोई TRP मिलनी, एक गल मैं पहला नहीं कही, मैं जिद मैच देख गया उद मैं प्लेयर मिले, उन्होंने कहा कि साड़ी आ हालत है जी, पंजाब का प्लेयर से, पंजाब का मुंडा से, पंजाबी से। सो इस करके कैप्टन साहब ने पहला नहीं दी नौकरी, जो दूजे पास गए तो वो ये पुछ लैन, जो उन्होंने फिर अपने भाणजे भतीजे दे कंट्रोल ही नहीं, तो 8-8 करोड़ रुपया घरों मिलता सी। काबले गौर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों साबका सीएम से नौकरी दे लई रिश्वत मंगण दे इल्जाम लगाए गए हैं, जिन्हों साबका सीएम चन्नी ने नकारिया भी है, पर मुख्यमंत्री मान के नवे बयान ने चर्चा जरूर छेड़ दी है। हुण तां आने वाला समा ही दसेगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों साबका सीएम से लगाया इल्जाम सच है या फिर नहीं। रिपोर्ट पंजाबी चैनल।